भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए अधिकारी तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। 25 लाख रुपए की राशि आदिम जाति कल्याण विभाग से भैयाथान विकास खंड शिक्षा अधिकारी को उन्नयन कार्य के लिए दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। मामले की शिकायत संभाग कमिश्नर और सरगुजा रेंज के आईजी से की गई है। वो कन्याश्रम का उन्नयन था, 25 लाख रुपए दिया गया था बीओ को, और सभी जगह नहीं था ये, तो बीओ भैयाथान को दिया गया है कन्याश्रम खोपा के उन्नयन के लिए। दरअसल मामले की शिकायत करते हुए गोल्डी गजोरिया के द्वारा आरोप लगाया गया है कि ऐसी ट्राइबल परियोजना प्रशासक के द्वारा भैयाथान विकासखंड शिक्षा अधिकारी को करीब 25 लाख रुपए कन्या आश्रम खोपा के उन्नयन कार्य के लिए प्रदान की गई। परियोजना प्रशासक से 25 लाख रुपए डायरेक्ट विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पे जाता है, जबकि ऐसी ट्राइबल के अंतर्गत छात्रावास संचालित होता है, तो उनको धनराशि या तो जनपद को देनी चाहिए थी या तो ग्राम पंचायत को देना चाहिए था, वो फुल मेन बॉडी होते हैं, मगर विकासखंड बीओ को देना ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों दी गई है। तो भ्रष्टाचार की बू जिसमें करीब 8 लाख रुपए राशि से अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराया गया। निर्माण कार्य के संबंध में जो जानकारी वहां चस्पा की गई है उसमें क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत खोपा को बताया जा रहा है, जबकि पंचायत के सरपंच और सचिव के द्वारा यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनके द्वारा यह निर्माण नहीं कराया गया। कक्ष को वो जो अतिरिक्त कक्ष बना है आपका कन्या आश्रम पे, तो वो शिक्षा विभाग द्वारा बनाया गया है जी। उसमें कार्य एजेंसी खंड शिक्षा अधिकारी भैया थान होंगे, उसके बारे में उनको तो जानकारी नहीं, हम लोग उसको नहीं। तो उस पर जो लिखा हुआ है कि कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत खोपा है, तो उसके संबंध में क्या कहेंगे? अधिकतर पेंटर लोगों को दिया जाता है वोट लिखने के लिए, जैसे त्रुटि बस वो ग्राम पंचायत दिल्ली हमें सरपंच ग्राम पंचायत खोपा, वैसे उसका कार्य एजेंसी खंड शिक्षा अधिकारी जनपद पंचायत दिया था। जिसमें नियमों को ताक में रखते हुए धरतीधर इंटरप्राइजेस नाम की फर्म को राशि का भुगतान बताया गया है। इतना ही नहीं, उन्नयन कार्य के तहत करीब 17 लाख रुपए की खरीदी में भी नियमों को ताक में रखकर खरीदी की गई है। ना ही भंडार क्रय नियम का पालन किया गया, ना ही खरीदी को लेकर निविदा या टेंडर प्रकाशित किया गया। निर्माण कार्य और खरीदी को लेकर जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी भैयाथान से जानकारी लेनी चाही गई, तो वह साफ तौर पर मीडिया से भागते नजर आए और उन्होंने अपना पक्ष रखना जरूरी नहीं समझा। बहरहाल मामले की शिकायत संभाग कमिश्नर और सरगुजा रेंज आईजी से करते हुए मामले में जांच करने की मांग की गई है। वो माना जाएगा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ऐसी खरीदी में, और एक कन्याश्रम में ही एक अतिरिक्त भवन का निर्माण किया गया, क्या उसके उसे किसके द्वारा निर्माण किया गया है? मतलब उसमें साफ साफ लिखा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा उसे किया गया है, विभाग का नाम लिखा है, और उसमें ग्राम पंचायत बताया गया, जबकि वहाँ सरपंच सचिव के द्वारा सब कुछ नहीं बताया गया, क्या जानकारी है? अक्सर भवन के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग कभी भी निर्माण एजेंसी नहीं रहा है। भवन निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा कुछ विद्यालयों में कराया गया है, उसमें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ही पता चल पाएगा कि उसमें निर्माण एजेंसी कौन था और किस तरह से भवन बनाया गया है। उसमें वही देखना पड़ेगा कि वो सामग्री सी एस आई जिसी दर पे उसका बुकलेट आता है, बुकलेट आता है क्या सामग्री सी एस आई जिसी दर पे कौन कौन सी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। हाँ, तो जो सामग्रियाँ सी एस आई जिसी दर पे उपलब्ध होंगी उसको देखने के बाद अगर वो सामग्री उपलब्ध है तो उसमें टेंडर की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार